एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7A B C, लेट्स स्टार्ट 7D एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज वी शुड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट मीन व्हेन यू आर गोइंग टू डिपॉजिट समथिंग टू द बैंक और समवेयर एल्स, सो सम इंटरेस्ट इज देयर। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम, दीज आर फोर क्वांटिटीज विच आर गोइंग टू यूज हेयर। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7D, सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई जस्ट राइट डाउन द बेसिक फॉर्मूलाई आर हेयर। नंबर वन फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये सिंपल फार्मूला मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का है। प्रिंसिपल, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड फॉर रेट। ये प्रिंसिपल वही है आपका स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल लार्ज अमाउंट। रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहते हैं। टी स्टैंड फॉर टाइम, क्योंकि रेट इज ऑलवेज टेकन इन परसेंटेज, सो दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 100। सो द सेम फार्मूला विच वी यूज टू फाइंड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय इसका रेट इनटू टाइम। व्हेन यू कैन फाइंड द रेट, इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम, व्हेन यू फाइंड टाइम, टाइम इज ऑलवेज टेकन इन ईयर, मंथ में नहीं लेंगे, डेज में नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जब भी आपका कैलकुलेट होता है विच इज ऑलवेज टाइम इन ईयर्स। टाइम का फार्मूला फाइंड करना है तो इंटरेस्ट इनटू 100 बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बेसिक फार्मूला आर गोइंग टू बी कोट डाउन, राइट डाउन हियर, और हम इसकी एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आई होप के पहला क्वेश्चन इसका यही है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। अच्छा, अमाउंट कैसे फाइंड करनी है, अमाउंट का भी फार्मूला लिख लें। व्हेन यू कैन कैलकुलेट अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये नहीं है कि आप बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं और इंटरेस्ट उसका सपोज करें 200 मिलता है तो आपको 200 नहीं देंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट मीन कि दोनों का समेशन, सम अप, प्रिंसिपल भी देगा साथ उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये अमाउंट का फार्मूला है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, उनमें पहला पार्ट मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ। इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है, और प्रिंसिपल कितना है जी, 650, शॉर्ट वे से रुपीज में ही है, फॉर टू ईयर्स, टाइम टू ईयर्स, टाइम इज ऑलवेज टेकन इन ईयर, और रेट है जी इसका 8% पर एनम, पर एनम मीन पर ईयर, ठीक है, पर एनम मीन। तो फाइंड हमने करना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उम्मीद है क्या बाकी आप सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट, क्योंकि अमाउंट के लिए हमें नीड है सिंपल इंटरेस्ट है। तो पी आर टी बाय 100, वही फार्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला बताया। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करें, टाइम रेट डिवाइडेड बाय 100। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 5 10। कैंसिलेशन में जल्दी नहीं करनी, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर कैंसिलेशन में जल्दी करते हैं। 5 1 5 5 13 टाइम 5 65 13 टाइम 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया, ये 2 104, ये आ गया रुपीस सिंपल इंटरेस्ट 104। अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगी, शाबाश, अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड कर दें इसके इंटरेस्ट में, तो आपको 654। ये एक पार्ट की रोया है इसका, जस्ट पार्ट की है, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स आर ऑल सेम, इसलिए मैं उस पर टाइम जाया नहीं आपका करूंगा, खुद से ट्राई करें। आई होप कि जब आपको सॉल्व ना होगा तो फिर आपने मुझे बताना है। उसमें फार्मूला इज सेम, ये सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने आपके लिए ये फार्मूला लिखा है, प्लीज ये कोशिश करें कि इन तमाम पार्ट्स में सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पार्ट मैं आपको 5 कर देता हूं ताकि वो ना हो कि आप कहेंगे, ऐसे मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट्स को फर्स्ट 3 पार्ट करवाता हूं।
ताकि दे शुड नो अबाउट दैट। थर्ड पार्ट तो क्या, वो ज़रा कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है तो बच्चे अक्सर घबराते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कैसे है जी? बिल्कुल वैसे ही है, मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी बाय 100 है। अभी देखिए मैं वैल्यू लगाऊंगा इसकी, वैल्यू लगा लें जी, प्रिंसिपल 750 है, रेट 6 होल 1/4 है, 6 होल। मैं भी बताता हूँ इसको कैसे करना है आपने। टाइम कितना है जी? 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ओके, अभी देखें 6 होल 1/4 को जब आप 6 for 24, 25 by 4, ठीक है, सिंपल एज दैट, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 750 मल्टीप्लाई बाय 25 by 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 25 1 the 25, 25 4 the 100, 750 by 4। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, मैं इसलिए आपके सामने कैंसिलेशन कर रहा हूँ, 4 1 the 4 3 35, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 750 को, आपने आराम से कैंसिलेशन करनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 187.5। ओके, ये रुपीस में आएगा। जब अमाउंट फाइंड करेंगे आप इसकी, तो प्रिंसिपल क्या है, 750, ये 750 है, इसमें 187.5 जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 937.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने, ये मैंने दो पार्ट किए हैं, प्लीज़ ये एक्सरसाइज बड़ी मज़े की है। 7D सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आप कहीं पे बैंक जाते हैं, कहीं पे कौमी बचत जाएंगे, वेयर एवर यू गो यू शुड नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट। उनसे पता करें टाइम कितने देर के लिए आप डिपॉजिट करवा रहे हैं और क्या आपको रेट मिल रहा है, उसके मुताबिक है। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, थैंक यू। Thank you.